सबसे पहले मैं परम पूज्य नागेंद्र जी से आग्रह करूंगी कि आप कृपया करके माइक संभालें और बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं संतों के महत्व को, क्योंकि आगे बढ़ाना बेहद जरूरी इस चलन को। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हमारा भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। हम सब ऋषियों की संतान हैं और सनातन संस्कृति से ही हमारे भारत की पहचान है। जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश में गए थे तो वहां उनसे पूछा गया कि हमारा आपका जो भारत है उस सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो उनका एक ही जवाब था कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में संस्कृति है और संस्कार है। यहां कहीं भी इस भूमि पर आप कोई भी बीज डाल दीजिए, हर जगह पर वह उपजाऊ है, वो वृक्ष उग आता है। लेकिन विदेश में कहीं भी किसी भूमि पर आप जाएंगे तो उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमारा देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है, अखंड भारत हमारा है। हिंदू राष्ट्र की हम मांग करते हैं, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र से ज्यादा हम सभी संत धर्माचार्य शास्त्र और सब ग्रंथों में यही गाया गया है कि हमारा भारत अखंड भारत है। क्योंकि अखंड भारत सनातन कहने से हम खंड खंड नहीं होंगे। यदि हम केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम बट रहे हैं। अभी तो हम जातिवादियों में बट रहे हैं और आगे चल करके हम सिख अपने आप को अलग समझते हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। बौद्ध अलग हो रहे हैं हमसे, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और इधर जो जैन धर्म है वो भी अपने आप कड़ा निर्णय ले लिया गया तो गलत हो जाएगा, प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। क्योंकि एक सदग्रस्त जो परिवार को चला सकता है, क्योंकि परिवार में भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, सबको किस तरह से खुश रखा जाए, उसी प्रकार से सत्ता में रहकर सरकार को वही चला सकता है जिसने परिवार को संभाला है। लेकिन जहां जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है और वहां जब त्राहिमाम होती है और जहां सिस्टम को नहीं संभाला जाता तो भगवान दूत के रूप में योगी जैसे महापुरुष को भेजते हैं और वह फिर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम की भावना लेकर के संपूर्ण प्रदेश को आज सुरक्षित कर दिया है उन्होंने। तो मैं बस यही कहूंगा कि संत और सत्ता यदि साथ हैं तो बिल्कुल राज्य को अच्छा प्रकार से चलाया जा सकता है, देश समृद्धिमान बन सकता है और विकासशील देश बन सकता है, और आज हम लोग वह देख रहे हैं। इसलिए संतों को आगे रख करके हमें चलना है, धर्माचार्यों को आगे रख करके चलना है, क्योंकि हमारे देश की पहचान राम कृष्ण और धर्माचार्य और संतों से ही है। क्योंकि परमात्मा ने अभी संतों की पूजा की है, धर्माचार्यों की पूजा की है, ब्राह्मणों की पूजा की है। जिसका जो दायित्व है उसको उस प्रकार से प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ करते हैं तो फिर गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं।